नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री के कुछ वन लाइनर्स को। इसके साथ में ही मैं उसके कुछ फैक्ट्स को डिटेल रूप में भी आपको समझाऊंगा कि उसे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न मेरा कह रहा है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इट इज कॉलिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन अदर वे वी कैन सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये चार प्रश्न के आंसर हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये चार प्रश्न के आपके आंसर यहाँ पे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रिडक्शन से वही चार फैक्ट्स थे उससे थे। उसके बाद चार नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बी क्वेश्चन है, तीन नंबर का क्वेश्चन, टू एंटी ऑक्सीडेंट्स विच आर यूजुअली एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी आर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रैंसिडिटी क्या है। तो रैंसिडिटी कहा जाता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। अगर फूड को हम ज़्यादा समय तक रखते हैं तो वो खाने लायक नहीं रहता है, वो स्पॉइल हो जाता है। तो इस स्पॉइलेज ऑफ फूड को कहा जाता है रैंसिडिटी। इसीलिए आप एक चीज़ आपने देखा होगा, कभी भी आप कोई पैक्ड फूड लेते हैं तो उसके पैक के ऊपर आप देखेंगे उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती है। वो चीज़ क्या होती है, वो रहती है प्रिजर्वेटिव उसमें डाला जाता है। ये प्रिजर्वेटिव ही BHA और BHT हैं। ये दो कैटेगरी होती है, BHA जिसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ये है BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड, इसको किस तरह से लिखते हैं लिख कर देखा देता हूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। यह हो गया BHA, और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, वो होता है BHT। ये दोनों प्रिजर्वेटिव है जो कि फूड आइटम में डाला जाता है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ऑलरेडी मैंने उसका रिप्लाई दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसोल्यूबल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते क्या हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि जब दो सोल्यूबल साल्ट आपस में रिएक्शन करके एक इनसोल्यूबल साल्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, दो सोल्यूबल साल्ट मिलकर एक इनसोल्यूबल साल्ट बनाते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको इसके डेफिनेशन से ही पता चल गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसोल्यूबल साल्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसको आपको कंप्लीट करना है।
तो आप कंप्लीट करेंगे, आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको SO3 आएगा। SO3 क्या क्या होता है? SO3 कहते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड को, एसिड रेन का ये मेन कंपोनेंट होता है SO3, ठीक है। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड यह है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, रिएक्शन इन विच इनर्जी इज गिवन आउट आर नॉन एज। तो रिएक्शन जिसमें इनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, चूना के ऊपर जब जल डाला जाता है तो उसे हीट निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिसप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड। तो एक रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए, ए एक एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है। अब ए बी सी से रिएक्शन करके सी को रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है, तो ए भी अब कंपाउंड बन गया और सी हमारा रिप्लेस हो गया, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपका केमिकल रिएक्शन दिखाया हुआ है, उसमें आपको एक्स और वाई यानी कि जो कंपाउंड बन रहे हैं उनका फॉर्म आपको लिखना है कि लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट की जो प्रतिक्रिया है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जा रही है, तो उससे लेड आयोडाइड बन रहा है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो लेड आयोडाइड किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी आप मेटल को नम हवा में छोड़ देते हैं, मान लिया लोहे को नम हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो इस घटना को, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है आपको। Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ देखिए दो सोडियम के परमाणु हैं तो दोनों को सोडियम को परमाणु कंप्लीट हो गए, क्लोरीन के दो हैं क्लोरीन के भी दो कंप्लीट हो गए, बच गए क्या, बेरियम का एक बच गया और SO4 बच गया, तो BaSO4 ही इसका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेरियम सल्फेट आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम नाइट्रेट हैज़ pH वैल्यू इक्वल टू, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या है pH वैल्यू होता है 7, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, हालांकि ये थोड़ा सा क्षारीय होता है लेकिन लगभग लगभग उसको मानते हैं हम न्यूट्रल ही मानते हैं, तो 7 ही उसको उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ फिर एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ कि आप पूछ रहा है एक्स क्या बनेगा, तो इस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बनना चाहिए। कॉपर का एक परमाणु कॉपर मिल गया आपको CuNO3 में, अब NO3 इसके टोटल कितने क्या होने चाहिए,
2NO3 है, यहाँ पर भी NO3 दो मिल गया, बच गए हैं क्या, 2Ag बचा हुआ है केवल, जो कि सिल्वर है, तो 2Ag आपका बच गया, तो वो 2Ag आप लिख देंगे, वो हो गया कंप्लीट। यानी कि कॉपर की प्रतिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई जाती है तो कॉपर नाइट्रेट एक ब्लू कलर का एक लिक्विड है, एक्वस फॉर्म में एक कंपाउंड है, वो बनता है और वाइट कलर का सिल्वर मुक्त होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू, तो इसको जानने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। एसिड यहाँ लास्ट में डी है तो इसको यहाँ लिख दीजिए रेड, रेड में भी डी है। बेस, बेस बी से शुरू होता है, बेस से ब्लू होता है, यहाँ लास्ट में लिख दीजिए ब्लू। अब बनाते हैं, ये रेड है तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्लू, और यहाँ अगर ब्लू है तो यहाँ लिख दीजिए रेड। अब देखिए, एसिड अगर किसी एसिड के संपर्क में लिटमस पेपर आएगा या लिटमस सॉल्यूशन आएगा तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेस के संपर्क में रेड लिटमस सॉल्यूशन आया तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बस आपका एग्जाम के दो नंबर मिल जाएंगे आपको। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो नॉन मेटल और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, आपको आपने अगर मेटल और नॉन मेटल पढ़ा होगा तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना, लेकिन उसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस में एक है ग्रेफाइट, क्योंकि एक एलोट्रोप है किसका, कार्बन का, ये नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका आंसर हो गया ग्रेफाइट। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज ब्लैंक देन 7, तो पीएच स्केल के बारे में आप जान लीजिए, पीएच स्केल ये हो गया, पीएच स्केल में ये 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट, इधर की ओर जब हम जाएंगे 0 की ओर ये होता है एसिड, और इधर है 14, अगर इस ओर इस स्केल पे जाएंगे तो ये होता है बेस, तो पूछ रहा है बेस के बारे में, बेस क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन हमेशा मोर देन 7 होगा, उस ओर जाएगा राइट डायरेक्शन में जाएगा तो मोर देन 7 होगा, बेस होगा। इस स्केल को याद रखेंगे, इसमें भी आपको दो नंबर मिलेंगे हमेशा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 18, आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, जब H2SO4 के साथ इसकी प्रतिक्रिया होगी तो इससे बनता है Ca और SO4 को मिला के CaSO4 बन जाएगा, H2 और O यहाँ पर बचा हुआ है वो H2O जल बन जाएगा, और Cl2, ये जो Cl2 है ये मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ये क्लोरीन गैस क्या ब्लीचिंग का काम करती है। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ से कोई भी कपड़ा हो उससे अगर रंग निकालना हो तो उसमें हम ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वही मुक्त क्लोरीन गैस है, वही विरंजन का काम करती है, मतलब कि ब्लीचिंग का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही तीन चीज़ मिलेंगे आपको, CaSO4, Cl2 और H2O। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच टू इच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट इन इट्स क्रिस्टलिन फॉर्म, तो किसी भी क्रिस्टलिन फॉर्म में जो वाटर कंटेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4.2H2O। तो ये जो दो जल के अणु हैं, दो ये होते हैं उसके, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ब्लैंक इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका मटेरियल क्या होता है, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा आपका बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ उसको भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का मान लिया फॉर्मूला पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं NaHCO3। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, दी सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर विद pH वैल्यू देन 7। तो सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक है तो उसका pH वैल्यू 7 होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एसिडिक होगा उसका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा। अभी हमने पोटेंशियल स्केल को हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल स्केल पर 7 से इधर की ओर जो होता है ये एसिड होता है और इस ओर में जो होता है वो बेस होता है, तो 7 से कम होगा इसका मान। ठीक है, फिर चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक ब्लैंक स्पेस ऑन द बी स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो मधुमक्खी के काटने पर उसकी जगह पर आप माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी, तो इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमेक प्रोड्यूसेस टू मच एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो इंडाइजेशन के समय आपके पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण आपके पेट में दर्द होती है। अगला है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज, इससे भी रिलेटेड मैं तीन फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तीन श्रेणी है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो होते हैं एल्केन और जो अनसेचुरेटेड हैं वो होते हैं एल्कीन और एल्काइन। इनका रासायनिक फॉर्मूला होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये भी तीन फॉर्मूला याद रखेंगे आपको 3 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ जिससे आपको और भी 3 नंबर मिलेंगे। एल्केन का एग्जाम्पल है, एल्केन क्या होता है CnH2n+2, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CH4 मीथेन है, यहाँ n की जगह पर 1 रखा गया है, तो आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं CN1H2n+2, 2+2 4 हो गया, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, हेक्सेन है, मैनी थिंग्स। उसके बाद जो आपका एल्कीन है, एल्कीन का एग्जाम्पल है आपका इथिलीन C2H4,
CnH2n की जगह पर दो रख के C2H4 बन रहा है, और जो एल्काइन है उसका एग्जांपल है C2H2 यानी कि एसिटिलीन CnH2n-2। ये तीन तीन छः चीज़ों को आप याद रखिए, कम से कम तीन नंबर तो ज़रूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ कैसन इन एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो किसी भी एसिड में H प्लस आयन कैसन बोलते हैं इसको, H प्लस आयन की प्रेजेंस उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है H प्लस आयन। और OH माइनस आयन जो होता है OH, ये भी एक चीज़ याद रखिए आप, OH माइनस आयन इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ये आयन जो होता है ये बेस की प्रॉपर्टी को शो करता है। जितना ज़्यादा OH माइनस होगा बेसिक वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नन एज। तो किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकालना और उसको रिफाइन करना, शुद्धिकरण, ये पूरी प्रक्रिया जो है इसको मेटलर्जी कहा जाता है, धातुकर्म भी कहते हैं, धातुकर्म भी कहा जाता है इसको हिंदी में, ऐसे मेटलर्जी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, इसका सीधा आंसर है मेटलर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इसको अगर किसी भी एसिड में आप वाटर मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तनुकरण करना कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं अंग्रेजी में डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन। Which among HCl H2SO4 and CH3COOH is a weak acid? तो इन सब में जो weakest acid जो होगा वो होगा CH3COOH। तो इसका सही आंसर है CH3COOH। तो इसका अगर आप एक सीरीज में लगाते हैं तो वीकेस्ट हो गया आपका CH3COOH, उसके बाद नंबर आएगा HCl का, उसके बाद आएगा H2SO4, मतलब H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये वीकेस्ट है, CH3COOH वीकेस्ट है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एलिमेंट्स को हम मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 30, टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर। तो कौन कौन से ऐसे कंडक्टर हैं जो कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, मेटल्स पूछ रहा है और पुअर कंडक्टर। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि गुड कंडक्टर की होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि पुअर कंडक्टर हैं। अभी हमने एक नॉन मेटल भी देखा था जो कि गुड कंडक्टर था, अभी कुछ मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं। तो उन मेटल्स में कौन कौन से हैं, लेड हैं और मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी इसका एग्जाम्पल है जो कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन द पाम आर। टू ऐसे मेटल्स कौन से हैं जिनको आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मेटल हैं गैलियम और सीजियम। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो आइए जान लेते हैं हम इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी, मेल्टिंग पॉइंट कितना है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीजियम का होता है 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस फैक्ट्स को याद रखिए, आपको आगे भी काम आएंगे। तो ये दोनों मेटल्स हैं जो कि हाथ पर रखने से पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय। तो कोई भी मेटल हो पॉजिटिव आयन कब
बना सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स चमकीला, चमकदार। तो ऐसा नॉन मेटल, आपको एक बात पता होगी कि मेटल और नॉन मेटल की जब आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस होना। कोई भी आप मेटल देखिए, कॉपर है, आयरन है, ये एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल भी हैं जो कि लस्ट्रस हैं, उसमें से एक है आयोडीन। तो इसका सही आंसर है आयोडीन। ए मेटल विच बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इज, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलने वाला जो मेटल है वो क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के रिबन को जब आप जलाएंगे तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। क्वेश्चन नंबर 35। ब्लैंक स्पेस आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए यूज किसको किया, किसका किया जाता है, ईस्टर का यूज होता है, ईस्टर का यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए। और इसका जनरल फार्मूला ईस्टर का है, वो भी आप ध्यान रखिए क्या है। ईस्टर का जनरल फार्मूला होता है ArCOOR, जहाँ R क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है। तो मतलब कि ये ऐसा भी इसका फॉर्म हो सकता है HCOOH, ये क्या है, ईस्टर है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का रहा, मेटल्स एवोव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, डिस्प्लेस। अभी कोई भी मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा, अगर वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर वो रिएक्शन करता है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, वहाँ से फ्री कर देगा हाइड्रोजन को। तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल कौन कौन से हैं वो जान लीजिए पहले। वो मेटल हैं आपके कैल्शियम, जिंक और एल्युमिनियम। अगर इनमें से कोई भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें से वो उस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। तो इतना जान के रखिए, कैल्शियम, जिंक और एल्युमिनियम ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इज एन एलोट्रोफ ऑफ कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस और डायमंड का और कार्बन का एलोट्रोफ हो वो क्या है, उसका आंसर, सही आंसर है डायमंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेटल्स विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ आर, सोडियम और पोटेशियम ऐसे सॉफ्ट मेटल हैं जिनको कि आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मेटल ऑक्साइड्स ब्लैंक एंड ब्लैंक डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलीज, तो कौन कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर एल्केलीज का निर्माण करते हैं, तो ये है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40। इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज, तो ये क्या है, कार्बन। कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम के लिए जरूरी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्लैंक स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कम्प्लीटली एक से दूसरे में चले जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। तो इसमें सही आंसर होगा शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 42। द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड दैट इज एल्कीन, हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था कि एल्केन जो होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और
एल्कीन और एल्काइन जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं वो किस में होते हैं, एल्कीन में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाई CH2 ग्रुप इज कॉल्ड ए होमोलोगस सीरीज, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, आप मिथेन सीरीज को देख सकते हैं। मिथेन सीरीज में क्या क्या है, CH4 है, उसके बाद CH2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H6 हो जाएगा इथेन, फिर CH4 और CH2 जोड़ेंगे तो C3H8 हो जाएगा प्रोपेन, फिर CH2 जोड़ेंगे तो C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन, फिर CH2 जोड़ेंगे तो C5H12 हो जाएगा पेंटेन। तो इस सीरीज को क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज को भी आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है, हमारा बॉडी क्या है, न्यूट्रल से लेकर थोड़ा क्षारीय होता है, एसिडिक बिल्कुल नहीं होता, तो 7 to 7.8 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू एक्सेस, अभी हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो ब्लू कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ब्लू रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, मीन्स ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन जो है लिटमस सॉल्यूशन को रेड से ब्लू कर देता है। रेड से ब्लू कौन करता है, बेसिक होगा जो कि क्षारीय होगा वो करेगा, तो अगर इसको उल्टा करना है यानी कि ब्लू से रेड करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ ऐसे ही यहाँ पे सही चीज़ होगी कि कोई भी एसिड होना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन जो भी होगा वो क्या करेगा, वो ब्लू से उसको रेड कर देगा, लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू से रेड कर देगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया 45 क्वेश्चन। आप लोगों को ये कैसा लगा आप अपने विचार ज़रूर मुझे दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी मुझे और किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी और टॉपिक पे बनाना चाहिए वीडियो, तो आप मुझे बोलें, मैं आपको बना के दूंगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रिएक्शन का बहुत ही इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू।